7,00,000 ब्रांच क्या विशेष योजना महिला उद्यमियों के लिए बना सकती है? 7,00,000 ब्रांच, 7,00,000 महिला उद्यमी उनके स्टार्टअप को प्रमोट करें, उनको मदद करें आर्थिक। आप देखिए, देखते ही देखते हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बच जाएगा, नए उद्योगकार तैयार होंगे। कोई एक को, कोई दो को, कोई चार को नौकरी देगा और देश की आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, देश में जब पूंजी निवेश होता है तो हम एक बात पर आग्रह रखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, और उसके लिए पूंजी निवेश करने वालों को सरकार का आर्थिक विभाग अनेक नई नई स्कीम देता है। इसका अपना महत्व है, उसको बनाए रखना है। लेकिन आज मैं एक नई बात लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश में जो पूंजी निवेश हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी निवेश हो, उसमें सरकार की मदद के जो पैरामीटर है, उसमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि आप जिस उद्योग को ला रहे हो उसमें आप अधिकतम अधिकतम लोगों को अगर रोजगार देंगे तो आपको आर्थिक पैकेज अलग प्रकार का मिलेगा। सरकार की सहायता रोजगार के साथ जोड़ करके नई इकाइयों के लिए सरकार अब योजना बनाएगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़े उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति का आता है कि बेटे को नौकरी मिले, और हमने देखा है जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, ट्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाऊं? विधवा मां भी सिफारिश के लिए जगह सोचती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मेरिट से भी ज्यादा इंटरव्यू के कारण व्यक्ति के साथ न्याय और अन्याय के खेल खेले जाते हैं। और कहा जाता है कि इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। मैंने अभी तक ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं देखे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू करे और मनुष्य को पूरा जांच ले। भाइयों बहनों, मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, एक गरीब मां का बेटा, कम शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति जिसे छोटी छोटी नौकरियों की जरूरत है, क्या उसको इंटरव्यू देना जरूरी है? क्या क्या बिना इंटरव्यू उसको नौकरी नहीं मिल सकती? क्या ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर, ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर यह तय हो कि हमें 500 लोगों की जरूरत, पहले 500 कौन है? हमें 2,000 की जरूरत है, पहले 2,000 कौन है? हां, जहां पर फिजिकल फिटनेस के टेस्टिंग है उसके दायरे अलग हो, उसकी पद्धति अलग हो। जहां ऊपर के नौकरियां हैं, जहां पर पर्सनालिटी का महत्व रहता है, एक्सपीरियंस का महत्व रहता है। लेकिन छोटी छोटी, मैं तो देख रहा हूं रेलवे की नौकरी के लिए नागालैंड मिजोरम से लोग एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए मुंबई तक बेचारे दौड़ते हैं। ये मुझे बीमारी बंद करनी है। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है उससे उसको मुक्ति मिलेगी, और उसको हमें पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आग्रह। मेरा देश चैन से सोता है, 125,00,000 देशवासी चैन की नींद को सोते हैं। उसका कारण हमारे देश के जवान सीमा पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। कोई देश अपनी सेना का मूल्यांकन कम नहीं आंक सकता। 125,00,000 देशवासियों की टीम इंडिया, उनके लिए भी
मेरा देश का हर फौजी, हर जवान, हर सैनिक एक राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की ऊर्जा है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई, वन रैंक वन पेंशन ये विषय हर सरकारों के सामने आया, हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं, हर सरकारों ने छोटे मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मैं सेना के जवानों सिद्धांत तह वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है। 125 करोड़ देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।